मिल लेते हैं आप भी वगैरह से और रियान से। सही है, ठीक हो गया यान भाई? इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। ठीक हो गया लो भलवान जी। तो यार पापा ने टिकट पता करके आया है। पापा कितने की थी टिकट? 2670 की एक टिकट। तेरा एडवेंचर मन पे आया 5400 रुपए का। तो भैया ने देख ले मोमदी बिस्तरे हो गए। ठीक है, इसकी टांगे देखे, मेरी टांग इसके बीच में फुल मोमदी बिस्तरे हो गया। पापा आप खुद चला रहे गाड़ी भैया। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। अच्छा यार आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। ठीक है, कल वाले व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि कजन की शादी है और हम मैं और पापा जा रहे हैं इस्लामाबाद। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं आपके भाई की पैकिंग वगैरह हो चुकी है। ये मेरा बैग है, ये पापा का बैग है। दो दिन का हमारा टूर है। आज दिन है थर्सडे और सैटरडे की नाइट को हमारी है वापसी। पापा कहते हैं यार चलो चलते हैं गाड़ी पे अपनी ना। तो मेरे पापा को मैंने कहा यार पापा मैंने ना बस पे सभी सफर नहीं किया यानी लाहौर से इस्लामाबाद का। ठीक हो गया, ऐसा करते हैं कि यार हम जाते हैं बस पे। ठीक है, तो बस पे पापा कहते हैं चलो यार ठीक है ये भी सही रहेगा। तो अब हम निकलने लगे थे, अब जाएंगे यहाँ पे हमारे घर के पास ही डेवो को अड्डा है। ठीक है, तो डेवो को अड्डे से हम वहां से लेंगे टिकट और ये जो भी अच्छी सी बस मिल गई वो हम पकड़ेंगे सीधा इस्लामाबाद। यार बीच में एक दो स्टे होगा, लेकिन यार ये मसला है ये भी है ना आपके भाई को अक्सर ना वॉशरूम बड़ा आ जाता अपनी गाड़ी होती है वो तो आपको भाई रोक लेता। अभी इन्होंने रोक ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं या तो बस के अंदर ही होगा वॉशरूम या तो फिर इस्लामाबाद जाके होगा। खैर अब हम निकलने लगे थे, पापा नमाज पढ़े, जैसे नमाज पढ़ लेते हैं तो फिर हम निकलेंगे डेवो के अड्डे। यार गड्डी से चलने हैं यार, तू कड़े चकना पै गए तो एडवेंचर ही कर देना ना। पापा यार कोई बात नहीं, खैर है मैं कहा अपने देखो ना बर्दाश्त आपके बच्चे की कितनी वॉशरूम रोकने की बर्दाश्त है। उदास ना होना, ठीक हो गया हम जा रहे हैं। तो यार अब चलो हम निकलते हैं, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया है भाई। उदास हो गई हो। ठीक है बेगम, ओके आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह दो दिन बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है मम्मी तो दे दो जाने से पहले, मम्मी अभी दी थी नहीं दो अपने बच्चे को भी दो। चलो ठीक हो गया, चलो जी यार निकले अभी ये बैग वगैरह पकड़ लेते हैं सारे। पापा साहब चलो तुम फड़ लो उन बैग ना। हाँ चलो जी निकले यार। तो यार गाड़ी वगैरह चला लेते हैं क्योंकि दो दिन आपके भाई ने गाड़ी नहीं चलानी। सही है, तो मैंने कहा यार आप ही छोड़ने जा रही थी। चलो जी यार पहुंच चुके हम डेवो के अड्डे। ठीक है, जैसे देख सकते हो वो है डेवो का अड्डा। तो आप मिल लेते हैं आप ही वगैरह से और रियान से। सही है, ठीक हो गया यान भाई? इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। ठीक हो गया लो भलवान जी, मुलाकात होती है आपसे। खुदा हाफिज़। क्या हाल है? ठीक हो गया भाई जानी? पापा टिकट ले रहे हैं। ठीक हो गया, जैसे टिकट लेते हैं तो पता नहीं गया। ठीक हो गया, कब की मारी है भाई? तो यार पापा ने टिकट पता करके आया है। पापा कितने की थी टिकट? 2670 की एक टिकट। तेरा एडवेंचर मन पे आया 5400 रुपए का। ते आओ ले एक टिकट। तो यार तो बंदा 10000 का पेट्रोल लगना, 12000 का पेट्रोल लगना। ले तेरा एडवेंचर से चक्कर जाना ना, सारा काम खराब हो जाएगा। ये तो प्रैंक नहीं होगा मर था पापा? ये तो प्रैंक नहीं होगा। तो गाड़ी वापस मंगा लेंगे फिर। हाँ नहीं फिर ऐसे ही करते भी गाड़ी भी चल जाएगा जितना बड़ा गया। चलो हाँ वही ना, मुझे इतनी जोर से टेंशन नहीं है भाई। यार 2670 यानी कि आप वो कर लो 2700 लगा लो। ठीक हो गया, 2700 जाना 2700 आना 2700 रुपया ना। तो पागल तो नहीं है? 2700 आठ। नहीं नहीं भाई हमें ही अपने जा रहा है जी। सही है पापा, ये साथ ये भी तो है नियाजी वाले। ये एक और एडवेंचर है ना, ये भी एडवेंचर देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये नियाजी से पता करो ना क्या है। यार दिल नहीं कर रहा मेरा गाड़ी पे जाने का ना। मैं यार तो थोड़ा सा हो जरा एडवेंचर हो, मजा भी है। तू बोल इधर हो ला भाई, बहुत ज्यादा एडवेंचर। चलो ये अब देखते हैं यार के क्या सीन है इस नियाजी वालों का। तो यार ये पापा अब जो हमसे फोन करते हैं ठीक हो गया। पापा कह रहे हैं प्रैंक हो गया नियाजी का अड्डा ही नहीं भाई इधर, इसका करीब है। कहते यतीम खाना चौक जाओ, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो वहां से भी गाड़ी लो फिर जाओ। गाड़ी हम वापस निकले मंगवाते हैं आप ही को, कहते हैं हम दोबारा लेने आए। तो फिर देखते हैं मुझे तो हंसी आ रही है।
तो फिर उसको कहते हैं आ जाओ यार वापस, उसका ट्यूनिंग वगैरह पापा करवाते हैं, फिर अपनी कार मिल जाती है। एडवेंचर था भाई, एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। कैसा एडवेंचर हुआ है, ऐसे करके गए तो वापस दोबारा कर अपनी गाड़ी वापस नहीं गई होगी, हम उसके पीछे जा रहे हैं। यार ये बहुत बड़ा प्रैंक, कैसा एडवेंचर हुआ है। हां तो जेन्युइन प्रैंक हो गया, तौबा, इसे कहते हैं जेन्युइन प्रैंक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओए होए 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 होए, क्या मजा आया मामा शादी में, इतना मजा आया शादी में मैं कहता हूं। ओ यार बस वो कह रहे थे रुक जाओ, मैं तो कह रहा था दिनों का पता नहीं चला। कितना मजा आया है, दिनों का पता नहीं चला, माफी के इसे कहते हैं प्रैंक। इसी में शादी अटेंड पूरी कर, यार मैं कहा चलो इसी में शादी, बड़ा मजा आया, खाना बड़ा मजेदार था यार। अच्छा। दूल्हा दुल्हन बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बड़ा मजा आया। अच्छा। बड़ा मजा आया बाबा, बहुत एंजॉय हो गया, जेन्युइन एंजॉय किया। ओए यार ये जो हमारा एडवेंचर था आज, एडवेंचर ने काम खराब कर दिया, टाइम जाया हो गया मेरा, पूरा एक घंटा जाया हो गया। 2000 years later. तो यार अब जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं भाईजान पूरा दिन चढ़ गया है और आपका भाई अभी तक लाहौर में ही है, जिस जो आपका भाई कह रहा था रात से कि मैंने इस्लामाबाद जाना है। भाई ये सब अल्लाह के काम होते हैं, ठीक है, अल्लाह पाक को तब हमारा मंजूर नहीं था उस पर जाना। खैर अब आपके भाई ने गाड़ी वगैरह निकाल ली है, पापा रात को भाई पूरा काम कराया पापा ने गाड़ी के, सब देख सकते हैं। मामू को भी बुला लिया, साथ अहमद भी आ गया हमारे। जब हम घर वापस आए तो मामू की कॉल आई, मामू कहते हैं किधर हो, मैं कहा यार ये हमारे साथ सीन चल गया, तो हम कहते हैं चलो मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, अहमद भी आ गए उनके साथ। तो अब भाई जान और हो गए हैं हम सब रेडी, तो अब हम चारों जाएंगे सीधा इस्लामाबाद, ठीक है मामा, फिर जा रहे हैं, ठीक है, ख्याल रखना अपना, ठीक है, तब तक के लिए 2 दिन के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो उनसे है ना भूख बड़ी लगी हुई है, रास्ते से देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। आए मामू भाई, फेल एंजॉयमेंट फुल रात को एकदम ही। हम इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। पहले तो आपको प्लान ही ना था, ये भी मान लो ठीक है, एकदम मरा आपका प्लान, सही है, तो इंशाल्लाह अभी निकलते हैं यार हम। हाँ जी उस्ताद जी, सर सुनाए कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं सर आप, आपका कैसे प्लान बन गया एकदम सर, मेरा अचानक बन गया। यार ये बच्चों को ये पूरे रात के नहीं सोए हुए, ठीक है, जगराते ही जाएंगे, ठीक है, मैं इनको कहता रहूँगा भाई जान सो जो, लेकिन नहीं भाई जान, इन्होंने किसकी बात सुनी है, अब ये पूरे रास्ते जाएंगे सोते और आपका भाई गाड़ी चलाएगा। पापा तो सो गए हैं, मामू भी सोए गए थोड़े से, ये बच्चा नहीं सोया इसलिए, ये देखो नींद का कोई भी आपको कोई मसला हो ना, आपको नींद नहीं आती, आपको कोई इशू है नींद का, तो इस वजह से रब्ता कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना वो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको कोई नींद का इशू हो जिसके बाद नींद नहीं आती आप इस वजह से रब्ता कर सकते। तो चलो जी यार सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो यार अल्लाह पाक अब खैर खैरियत से हमें पहुंचा दे, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं पापा ने रात को भाई फुल करा लिया, ये हिस्ट्री में पहली दफा फुल हो गई हमारी रिपोर्ट, ठीक है, चेक करो पूरे भाई, जो कहते हैं ना आपके भाई की गाड़ी फुल नहीं कभी देखी है, देख लो आज देख लो फुल हो गई है। खैर अब हम निकलते हैं यार सीधा मोटरवे को और इंशाल्लाह फिर करते हैं अपना सफर स्टार्ट। तो यार आपका भाई पहले स्टॉप पर रुका है, ठीक है, 100 किलोमीटर बाद पहला स्टॉप आया, भूख से जान नहीं करी थी, मैं कहा कुछ पहले खा पी लें क्योंकि खाने पीने के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो अब यहाँ से करते हैं हल्का फुल्का नाश्ता, जैसा आप देख सकते हो तो ये सारा पहला आ गया, क्या मैं तमाम सूखे की का 100 किलोमीटर बाद आता है भाई जान, तो अब इस्लामाबाद रह गया 280 किलोमीटर, और अब यहाँ से कुछ खाते हैं, खा पी के फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हाय 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 भैया, चेक करो पराठे अंडे साथ, अभी चाय भी आ रही है, तो आपके भाई को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मैं एक रोटी शोटी खा लूँ फिर आपको इसके बाद मिलता। यार वो बिल्ली क्या कर रहा तू, ये जो कर रहा है करने वाले काम, अच्छा ये देख लगा वैसे तो ये देख, तो यार भाई जान आपके भाई अभी ये इज्जत लूटने लगा था बच्चा, इसने पता नहीं क्या कैमरा एकदम ले आया निकाल के, ठीक है, कहते पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर
अब आपका भाई लगा है सोने यार, पापा को मैंने कह दिया कि पापा आप गाड़ी चलाओ, मुझे नींद बहुत ज्यादा आई हुई है, ठीक है। तो पापा को आप गाड़ी की चाबी पकड़ाते हैं और पापा को कहते हैं कि यार आप गाड़ी चलाओ, मुझसे नहीं चलनी गाड़ी। पापा चलो यार गाड़ी चलाओ, तेरा एडवेंचर मुक गया। ओ पापा, ओ पापा नींद आ रही है, मुझे नहीं चलनी। ओ भाई नहीं चलनी, नहीं चलेगी। वो शौक कह रहा है चला लो ना, चला जा आराम नाल। ओ यार मैं आपने कब कह दिया वो पे? मैंने खुद कहा है, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने खुद कहा है। मैंने कहा डाइवो पे जाओ आप। अच्छा ये पकड़ो ना, ये पकड़ो, चलो यार ना करो ना। ओ यार इधर आओ पापा, मैं नहीं सोया हुआ पूरी रात का। पापा मैं पूरी रात का नहीं सोया हुआ। नहीं फिर इतनी तो मैंने एडवेंचर करना है गाड़ी पे, अब मैं जाना है मैंने पहले। यार पकड़ लो ना, नहीं चलनी मान लो। अच्छा अभी थोड़ी सी 100 किलोमीटर चला लो, सुबह मैं चला लूंगा, ठीक है, ताकि मैं सो जाऊंगा एक घंटा। तो भाई यार ये देख ले मोमदी बिस्तरे हो गए, ठीक है, इसकी टावे देख के मेरी टांगे के बीच में फुल मोमदी बिस्तरे हो गया। पापा आप खुद चला रहे गाड़ी भैया, मोमदी बिस्तरे हो गए यार पापा, क्योंकि हम सो ही नहीं हुए। आप सही कह रहे थे, सो जाना चाहिए था। मैं आपको सो जाओ, वही ना, ये बच्चे ने नहीं सोने दी यार, गल्ला बातें बस कर दे रहा है कि झूठे आदमी। आप सो सो, चलो यार, चलो यार आपसे मिलते हैं अब घंटे बाद। गुड बाय, गया। यार पापा चला रहे यार, की है अल्लाह माफ करे, 6 घंटे हो गए ने आई नहीं रहे इस्लामाबाद। चलो गड्डी च बैठा है, 16 च बैठा है फिर भी यार ता गड्डी नहीं चल रही पुत्र। नहीं बात ठीक है यार, मामू तुसी भी कुछ कह रहे यार, तुसी की स्लो, बाबे आगे बैठे हो, मैं आगे बैठना चाहिए थे यार। आप एंजॉय करना है तो एंजॉय करो बस यार, एंजॉय ठीक है, घर भी पहुंच रहे, 6 घंटे हो गए ने। तो यार फाइनली पहुंच चुके हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला घर है जनाब, दो पूरे उन्होंने बुक कराए हुए घर, यारी कह रहे हो मतलब ये साथ दूसरों का भी लिया हुआ है। तो अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। A few moments later, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। कुरान मजीद की तालीम के साए में कुरान मजीद पढ़ते हुए, कुरान मजीद को समझते हुए। अरे भैया चेक करो, खाना वगैरह आ चुका है, ठीक है, अब हम खा रहे हैं। खाना निकाह हो चुका है, शुक्र लगा, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। अब करते हैं ना बेटा, तू तेरा है। तो भाई जान निकाह से फ्री हो गए, ठीक है, अब इधर छत पे आए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर बसंत मनाई जा रही है, ऊपर आप देख सकते हैं सारे भाई इधर सारे गुड्डे वगैरह उड़े हैं, बड़े बड़े, सही हो गया। तो अब ये देखो इसका साइज, इधर बसंत मनाई जा रही है, लेकिन उड़ाना किसी को भी नहीं आता इस्लामाबाद में, दारुल हुकूमत में यार भाई इधर बसंत। ओ देख, ओए फाड़ दी उसने, एक और फाड़ दी उसने। ओए होए ये भाई ने ना, ये वाले भाई ने, ये काविश भाई ने, एक आपको मैं दिखाता हूँ, इतना प्यारा हमने पकड़ा था अभी गुड्डा ना, तो ये देखो सारा गीला कर दिए यार, गीला हो गया है, गीला फारे कर दिए उसने। ये अभी ना एक लड़का मांगा, भाई दे दो, भाई दे दो, मैंने दिए नहीं इसको। ओए होए नहीं वह हो गया। तो यार ये सिस्टम है कि भाई इस्लामाबाद में गुड्डे बसंत होती है, गुड्डे हो रहे हैं, तो हमारे लाहौर में ऐसे करके, अब ऐसे ही करो तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो जी भाई जान 15 मिनट हो गए हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, इन भाइयों में से किसी से भी गुड्डा नहीं उड़ रहा, सारे भाई फिरकार बने, मैं उड़ा रहा हूँ, मैं उड़ाऊंगा, तो उड़ किसी से भी नहीं रहा। भाई मेरी बात सुनो सी साहब, तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट खेल लेते हैं, छोड़ दो गुड्डे, क्या कर रहा है यार, तो काफी देर बाद में ओ दे ओ, ये कहाँ से है, ये तो वहां से ही है, वहां भी है। तो भैया ये देखो बच्चे लगे हैं इधर, कल बरात पे पहनने यार मेरी बात सुनो, क्रिकेट खेल लेते हैं भाई, छोड़ दो यार, बसंत ही नहीं हो भाई, उड़ रहा है नहीं किसी से। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट खेलो यार। वो देखो वो बच्चा आधे घंटे से कनिया दे रहा है, पिछले आधे घंटे से कनिया दे रहा है वो बच्चा, ठीक है।
अब इसने खून गिर जाना गुड्डे के साथ। ले जी एक घंटे बाद हमारा ये गुड्डा उड़ गया, ठीक है आप देख सकते हैं भाई यार ये मामू ने उड़ाया, ठीक हो गया ये मामू ने उड़ाया। तो आप ये कैनेडा से आए हैं तो इन्होंने उड़ा लिया, तो ये देखो पाकिस्तान के सारे बाबों से नहीं उड़ा, ठीक है वो लड़के ने ऊपर से कनी दिया और तो देखो गुड्डा ऊपर चढ़ गया। क्या बात है यार, क्या बाबे रह गए फिर जहर मारे यार क्या नहीं है बाबा भाई, ये अभी नहीं है बाहर के जो लोग होते हैं बड़े जहीन होते हैं तो बने हो। चेक करो जी भाई जान पूरा गुड्डा उड़ गया, हैवी सीन कितने साल बाद भाई जान पहली दफा इसकी में पहली दफा हम जब बसंत में आते थे ना तभी पैंपर लगाते ओ भाई हमारा गुड्डा। तो यार ये ट्रैवलिंग थोड़ा सा व्लॉग था, ठीक है शादी पे आए थे इसलिए आपका भाई बहुत ज्यादा थका हुआ है, अब आपके भाई के जरा से भी एनर्जी नहीं है व्लॉग करने की। कल हम इंशाल्लाह जाएंगे फैसल मोस्ट जाएंगे और कल बरात भी है वो भी अटेंड करेंगे, सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। कल वाले व्लॉग भी आपने देखना है। खैर इस व्लॉग को फिर हम इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये लोग पसंद आया होगा। इस व्लॉग ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। We'll be right back.